अब एक तरीके से हम देखें तो हम पॉलिनोमियल के सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम को स्टेट करने के पहले मैं एक दो चीजें और भी आपको बताना चाहूं। सबसे पहले तो अगर मान लो एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो उसकी डिग्री आती है रिमाइंडर की, वो कैसी डिग्री होगी? सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने मान लीजिए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने, या फिर हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको मैंने डिवाइड किया किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर कैसा आ सकता है? रिमाइंडर आपके पास कैसा आएगा? ऐसा रिमाइंडर आपके पास आएगा जिसकी जो कि कांस्टेंट भाई, क्योंकि जब तक डिवाइड करते हुए रिमाइंडर में आपका पावर 1 भी बचा हुआ है, अगर उसकी डिग्री 1 बची हुई है, तब तक तो आप डिवाइड करते ही जाओगे ना, लगातार लगातार आप उसको डिवाइड करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। जैसे आप 8 से 50 से मतलब किसी चीज को डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? डिवाइजर से कम आता है कि नहीं? तो पॉलिनोमियल के टाइम पे इसी चीज का ऐसा एप्लीकेशन हो जाएगा कि अगर हम कहें कि अगर हम पॉलिनोमियल में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। हो सकता है कि अभी इस लेवल पे आपको कम यूज आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और काफी जगहों पे कैलकुलेशन में काफी काम करेगी। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम जब अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे, तो वहां पे भी ये काफी काम का होगा। क्या? कि जो अगर हमने एक डिवाइजर से पॉलिनोमियल किसी दूसरे डिविडेंड को मतलब डिवाइड किया, ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया अगर, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री आपके डिवाइजर के पॉलिनोमियल डिवाइजर की डिग्री से, डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम होगी। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ, सबसे पहले तो ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है बट फिर भी अलग से एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। इफ डिवाइजर इज ऑफ डिग्री एन, ठीक है, इफ डिवाइजर इज ऑफ डिग्री एन, देन अगर डिवाइजर की आपके पास डिग्री एन है, देन पॉलिनोमियल सॉरी देन रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री एज एन माइनस वन एट मैक्स। मैक्सिमम डिग्री उसकी जो हो सकती है वो एन माइनस वन हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि मान लो तुमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को, तुमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, ठीक है, तो अब ऐसे में डिवाइड करोगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइड करके देख सकते हो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। लेकिन अब अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ऐसा हमने हमने भी स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई एट मैक्स जो डिग्री हो सकती है रिमाइंडर की, अगर हम किसी एक nth डिग्री n इक्वल टू 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, यहां पे nth डिग्री पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो हमने कहा कि हमारा जो रिमाइंडर है उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है। हो सकता है वो कट जाए, कट जाएगा तो 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसकी डिग्री नहीं डिफाइंड है तो उसके तो बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं, ठीक है। हो सकता है 0 आ जाए रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री जो होगी वो एट मैक्स एन माइनस वन हो सकती है। एग्जैक्ट एन माइनस वन कोई नहीं कह रहा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये गलत डिवीजन हो गया अगर यहां रिमाइंडर बनाया, क्योंकि इस फॉर्म मतलब एन माइनस वन की वैल्यू तो 1 है ना। डिवाइजर मेरा ये था, डिवाइजर ये था, और डिवाइजर में अगर हम कहें कि एन इक्वल टू 2, डिवाइजर में हम बोल रहे हैं कि एन इक्वल टू 2 है, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी।
तो हमने यही कहा है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री एन माइनस वन होगी, नहीं, हमने ये बोला कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री मैक्सिमम एन माइनस वन हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम इससे किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हों, हम इस नंबर इस पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हों और हमारे पास जो डिग्री है वो एन या फिर एन से ऊपर, टू या टू से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक तो डिवीजन लगातार चलता ही रहेगा ना, लगातार। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे एन माइनस, हमें कहना यह है कि अगर हमने इससे डिवाइड किया तो दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल को अगर तुम इससे डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री एट मैक्स वन हो सकती है, वन या वन से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है ये समझिएगा आप। ठीक है, अगर आपको डिवीजन इसका आता है तो आप इतनी बात समझ रहे होंगे जो अभी तक मैंने कहा कि रिमाइंडर आपका जो भी डिग्री होगा रिमाइंडर का, वो डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम ही होगा, डिवाइजर की डिग्री से कम ही होगा, यही कहा जा रहा है, एट मैक्स एन माइनस वन हो सकता है। डिवाइजर की डिग्री अगर एन है तो रिमाइंडर की डिग्री एट मैक्स एन माइनस वन हो सकती है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि x की पावर 100 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, x माइनस वन से आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं x स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, तो अब आपको अगर कहा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो एग्जैक्ट अगर आपको रिमाइंडर नहीं मालूम है अभी, आपको आपको एज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो हो सकता है आप वो भी कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर रिमाइंडर हम निकालने जाएं तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें पहले इससे इसको डिवाइड करना पड़े, डिवाइड करते जाएं और फिर आंसर तक पहुंचे, हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी पहुंच सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने ये कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन हो सकती है। ये देखो, इससे नहीं मतलब है, डिवाइजर से मतलब था ना हमें, डिवाइजर की डिग्री कितनी है, टू है, डिवाइजर की डिग्री टू है, तो डिवाइजर की डिग्री अगर टू है तो रिमाइंडर की एट मैक्स कितनी हो सकती है, वन हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे अगर हमें कहा जाए कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री एट मैक्स वन, रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री डिग्री वन है ना, एट मैक्स, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी हो सकती है, रिमाइंडर की वन हो सकती है। ठीक है, तो अब होगा क्या इससे कि आपके पास, आपको पता होता है वो बेसिक चीज कि अगर आपका डिविडेंड है कुछ तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका बेसिक, बिल्कुल ठीक है। तो डिविडेंड आपका क्या है, यहां पे एक्स की पावर 100 है, लिख दीजिए, डिवाइजर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, कोशेंट आपको नहीं मालूम, रख दिया आपने। अब रिमाइंडर के बारे में आपको क्या पता चल गया कि रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम वन हो सकती है, इसका मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो आपका कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, लीनियर होगा या फिर उससे भी कम हो जाए, मतलब रिमाइंडर के लिए हमें अगर एज्यूम करना पड़े तो रिमाइंडर हम सिर्फ ए एक्स प्लस बी टाइप का कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक बार को कांस्टेंट भी आना होगा रिमाइंडर, ठीक है, 0 डिग्री का भी आना होगा तो ए की वैल्यू 0 रख के एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं आने वाली, एक्स क्यूब की, एक्स की पावर 4 की कोई भी टर्म नहीं आने वाली है ना। तो इस फॉर्मूले का, इस स्टेटमेंट का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि ये रिमाइंडर जो हमें एज्यूम करना पड़ता है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी एजम्पशंस को। ठीक है, कि सिर्फ ये दो अननोन्स हैं ए और बी, अब आगे इसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम सीखना पड़ेगा, उसको हम सीखेंगे, लेकिन अभी पहले आपको ये समझना है कि इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बेसिस पे हमने कहा कि ये डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका लिमिट हो गया,
रिमाइंडर आपका, अब रिमाइंडर में हम ये सब नहीं सोच रहे कि एक्स की पावर 71 तो नहीं आ जाएगा, हमें पता चल गया कि भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहां पे क्या आ सकता है, फर्स्ट डिग्री की टर्म हो सकती है मैक्सिमम, उसमें से भी अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कभी आपसे कहा जाए कि एक्स की पावर 71 माइनस एक्स की पावर 5 को डिवाइड हम कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स प्लस 1 से, ठीक है, तो कुछ क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर कैसा बचेगा, रिमाइंडर में आपकी जो डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम होगी। अब डिवाइजर से कम होने का मतलब क्या हुआ, डिवाइजर खुद फर्स्ट डिग्री का है तो डिवाइजर से कम मतलब जीरोथ डिग्री का, माइनस वन में तो नहीं जाओगे ना, तो जीरोथ डिग्री का आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो जीरोथ डिग्री का रिमाइंडर कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ कोई कांस्टेंट ही एज अ रिमाइंडर आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल, इधर तो हमें ध्यान ही नहीं देना, इधर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी लिखते रहो, कोई हमें ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। इधर हमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए हमने क्यूबिक से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स से मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो मेरे पास कुछ क्वोशेंट बचेगा और साथ में आएगा कुछ रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर के बारे में मैं बोल सकता हूं कि वो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। डिवाइजर की डिग्री 3 थी, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइजर की डिग्री 3 थी तो रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो हमें अगर एज्यूम करना है रिमाइंडर तो हम कैसा एज्यूम करेंगे, सेकेंड डिग्री का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हो सकता है ए अगर 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा रिमाइंडर के तौर पे, ए बी दोनों 0 हो गए तो सी हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कॉन्स्टेंट हो सकता है ना, हो सकता है सब कुछ कट जाए, सिर्फ रिमाइंडर 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 कॉन्स्टेंट टाइप का कुछ बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तीनों 0 हो जाए, मतलब पूरा का पूरा ही कट जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो रिमाइंडर अगर आना है तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री यही हो सकती है, मैक्सिमम रिमाइंडर कुछ इसी तरीके का बन सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने के पहले ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आती है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कि आप जो रिमाइंडर है उसको आप एज्यूम कर सकें, ठीक है, लिमिटेड टर्म्स में। लिमिटेड टर्म्स में एज्यूम करने से बेनिफिट ये है कि आपको अननोन्स कम मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 अननोन्स हैं, ए और बी, यहाँ पे सिर्फ 1 अननोन है, यहाँ पे आपके 3 अननोन्स हैं, ठीक है। तो उन नंबर ऑफ अननोन्स को एक तरीके से लिमिट करने का ये काम कर देता है और फिर हमारे लिए इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह ईजी हो जाती है। तो ये इस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है। अब जब एक बार आप रिमाइंडर थ्योरम सीख लेंगे तो इन दोनों को क्लब करके आप कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको अपन देखेंगे। थ्योरम में अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक है ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम भी आपका क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ही है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर आप, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर आप एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को आप एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो आपके पास कुछ कोशेंट आएगा और प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कुछ आ जाएगा, हो सकता है एक्स के टर्म्स में, हो सकता है कॉन्स्टेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ एक्स, कोशेंट, और ये रहा आपका डिवाइजर। तो अगर आप पी एक्स की बात करें तो पी एक्स की वैल्यू, ठीक है, आप लिख सकते हो कि डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट इंटू सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये आप बोल सकते हो। तो अब आपके पास देखो कि अगर आप x इक्वल टू अल्फा सब्सटीट्यूट करते हो, x इक्वल टू आपने अल्फा अगर सब्सटीट्यूट किया तो यहां पे आपके पास वैल्यू कितनी होगी, p अल्फा, है ना। और यहां पे x की जगह जब आपने अल्फा पुट किया तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई कि नहीं, ये 0 के बराबर होगी, और इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो ये 0 इंटू कोशेंट, इसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, तो बाकी क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे,
कि आपका जो रिमाइंडर आएगा, अब जब चूंकि आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका कैसा आना है, उसकी डिग्री क्या होगी, लास्ट लेक्चर का लास्ट पोर्शन याद कीजिए कि अगर आपने लीनियर टर्म से ही डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री तो और कम होगी, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, वो टर्म कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि डिग्री मैक्सिमम जीरो ही हो सकती है, और मैक्सिमम जीरो नहीं एग्जैक्टली जीरो ही होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर x इक्वल टू अल्फा हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, और इसलिए हमारा जो p ऑफ अल्फा है वो सीधा किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो थी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा विल बी इक्वल टू रिमाइंडर। क्या कहा हमने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा विल बी इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, यही स्टेटमेंट है आपका रिमाइंडर थ्योरम का, कि p ऑफ अल्फा एक्चुअली क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक, तो अपन स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ वी डिवाइड px बाय x माइनस अल्फा, इफ वी डिवाइड px बाय x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर is p of alpha, यही आपका statement है। ठीक है, remainder आपका कितना है, p of alpha हो। तो अब आपके पास px अगर मान लीजिए, ठीक, आपका मान लो polynomial है x cube minus 3x square plus 7x minus 8, ठीक है, ये है मान लो आपका polynomial, और इसको आप किससे divide कर रहे हो, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने कैसा रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कि रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने कहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, पी अल्फा आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स माइनस अल्फा, क्वाड्रेटिक रहेगी तब नहीं ऐसा होगा कि यहाँ पे सेकंड डिग्री की टर्म थी और फिर भी हम रिमाइंडर इसके बराबर लिख दें किसी चीज के, तब ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ये बात तो हमेशा एप्लीकेबल है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात तो हमेशा ही ट्रू है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट केवल तभी हो सकता है जबकि हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कैसा आएगा, जीरोथ डिग्री का आएगा, और जीरो डिग्री का रिमाइंडर हम डायरेक्टली पी अल्फा से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अगर आपका ये पी एक्स था और आपने डिवाइड किया सपोज एक्स माइनस फाइव से, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा पी ऑफ फाइव के बराबर। तो p ऑफ 5 कितना होगा आपका, 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 माइनस 8। ठीक है, तो 125 माइनस 75 मतलब 50 हो गया, 50 प्लस 35 85 माइनस 8 आपका 77, ये आपकी p5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो p5 आपका कितना होगा, 77 के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो इसका मतलब जब आप इससे इसको डिवाइड कर रहे होगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 77 डायरेक्टली आ जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का फायदा है कि हमें पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ रहा, हम डायरेक्टली आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऐसे भी कहे कि अगर रिमाइंडर 77 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, कि इसमें से अगर मैं 77 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, है ना, रिमाइंडर 77 आ रहा है। मुझसे कोई ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू व्हिच वी इफ वी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस px वी विल गेट रिमाइंडर एज जीरो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 77 सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इससे आपको डिवाइड करना है, दिस इज योर डिवाइजर, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी मतलब दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से आपको क्या खोजना होता है, आपको पहले इस फॉर्म में ले आना होता है एक्स माइनस अल्फा के, है ना। तो अब एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में आप कैसे ले आएंगे इसको, आप एक तरीके से चाहे 1 माइनस 2x से आप डिवाइड करने की बात करें, और या फिर x माइनस 1 मतलब 2x माइनस 1 से बात करें, चीजें तो सेम ही है ना, 2x माइनस 1 से चाहे आप डिवाइड करने की बात करो, चाहे 1 माइनस 2x से बात करो, बात तो बराबर ही है। एक तरीके से अगर हम कहें कि इसका जैसे ये अल्फा था, उस अल्फा के करस्पॉन्डिंग यहां पे अल्फा क्या निकलेगा,
तो वो अल्फा आपका ऐसे ही कुछ निकलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 से, है ना। ठीक है, तो यहां पे आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, p एट हाफ के बराबर आएगा। तो कितना होगा वो, हाफ क्यूब माइनस 6 इंटू 1 बाई 4 प्लस 2 इंटू हाफ माइनस 4, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आपके पास रिमाइंडर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में है x माइनस अल्फा के फॉर्म में, तो आपने सीधा अल्फा उठा करके पुट कर दिया था, 1 माइनस 2x था, तो आपने पहले देखा इसका मतलब अल्फा क्या होगा, तो आप इसको इक्वल टू 0 से आप कंसीडर कर सकते हो कि x इक्वल टू हाफ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर हो जाएगी। और फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए यहीं पे पूछा जाता कि आप इसके लिए कि 3x प्लस 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, तो क्या करना होगा आपको, तो ऐसे केस में आप देख लो कि x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इक्वल टू 0 कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 5/3। अब माइनस 5/3 आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस केस में p एट माइनस 5/3 दिस विल बी आवर रिमाइंडर, विच इज माइनस 5/3 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 5/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5/3 माइनस 4। ये वाली जो भी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के आए, दिस विल बी योर रिमाइंडर। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि आपके पास कुछ कहा गया कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस बी एंड 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव सेम रिमाइंडर, फाइंड ए एंड बी। अगर मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है, तो पहले तो इसको खुद से ट्राई कीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे इसे बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो देखिए इसमें सोल्यूशन क्या होगा, तो x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर दोनों से सेम आते हैं, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये पहला पॉलिनोमियल को px मैं बोलता हूं और इसको qx बोलता हूं, तो मेरा रिमाइंडर अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, px को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, p2 के बराबर आएगा, ठीक है। मेरा px क्या था, पहले मैं लिख लेता हूं, px था मेरा ax क्यूब माइनस 3x प्लस b, और अगर मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, p2 के बराबर। तो p2 कितना हो गया, 8a माइनस 6, ठीक है, प्लस b के बराबर हो गया, ठीक है। फाइंड a एंड b नहीं बल्कि फाइंड a एंड b नहीं बल्कि फाइंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन a एंड b। इसी तरीके से qx की बात करें, qx है हमारा 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, इसको जब मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, q2 के बराबर आएगा। q2 का मतलब हुआ 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2a प्लस b, तो 12 माइनस 2a प्लस b। अब p2 और q2 ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि रिमाइंडर तो यही है ना, तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर सेम है तो p2 और q2 आपके दोनों बराबर होंगे, which means कि our 8a minus 6 plus b is equal to 12 minus 2a plus b, है ना। और यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, 8 और 2 मिलकर के 10a हो गए, b और b कैंसिल हो गया, बल्कि ये तो बहुत आसान सा हो गया, 12 is equal और plus 6 18, अच्छा तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 9/5 हो जाएगी। a की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई कि ये a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9/5 आनी चाहिए, ठीक है। बाकी b के लिए अब क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब b आपका कुछ भी हो सकता है क्योंकि b पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये दोनों की इक्वालिटी जो है वो सिर्फ a पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि देखो दोनों जगह b तो खैर सेम ही आ जा रहे हैं एज इट इज, है ना, वो आ भी जाएंगे क्योंकि यहीं पे हमने वैसे ही रख दिया है, खैर कोई नहीं।
तो हमारे पास आ गया कि ए की वैल्यू आपकी 9/5 होगी और बी आप कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर हो गया ए इज इक्वल टू 9/5 एंड डी कैन बी एनी रियल नंबर जो मर्जी आए लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो खैर आपके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हो गए। चलिए कुछ और बेटर क्वेश्चंस अपन जो रिमाइंडर थ्योरम के बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स रेज टू पावर 100 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स रेज टू पावर 100 को आप डिवाइड करना चाहते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले यह ध्यान में आना चाहिए कि आपको रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, जबकि रिमाइंडर थ्योरम किस पे स्टेट करता था, डिवाइजर कैसा रखता था, वो लीनियर पॉलिनोमियल रखता था। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? तो हमने कहा कि एक्स की पावर 100, ठीक है, अगर इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा और प्लस कुछ रिमाइंडर होगा। भाई इस बात में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो हमेशा ही ट्रू होगी, है ना? इसमें रिमाइंडर थ्योरम का तो कोई यूज है नहीं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर हमारा डिवाइजर है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है? मैक्सिमम उसकी डिग्री 1 हो सकती है। भाई डिवाइजर की डिग्री 2 है मैक्सिमम, तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो हमने कहा कि एक्स रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के तौर पे मैं लिख देता हूं यहां पे ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी रख देता हूं। ठीक है, ये बात हम लास्ट टर्म पे भी करी थी कि अगर कांस्टेंट आंसर आना होगा तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमने कहा कि यहां पे आप देखोगे हमेशा एक चीज के बारे में कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे। यहां पे जो भी आपको डिवाइजर देगा ना उसके सिंपल सिंपल आपको फैक्टर्स मिलेंगे, पक्की बात है ये लगभग। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर्स कौन है? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये दो फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं कहूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन के जीरोस क्या है, एक अब कैसे करना है क्वेश्चन इसको समझ रहे हैं हम। ये जो डिवाइजर दिया गया है इसके फैक्टर्स आसानी से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ताकि आप इसके जीरोस आसानी से लिख सको। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के जीरोस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आपने किया, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस वन या फिर माइनस वन, है ना? तो अगर आप अब इनके जीरोस को यूज करते हो, एक्स की जगह आपने प्लस वन रखा, ठीक, इस रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो गई? वन इज इक्वल टू जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये पार्ट तो खत्म हो गया ना, तो आपको बेनिफिट क्या मिला कि a प्लस बी आपका 1 के बराबर है। ये आप क्यों निकाल पाए? क्योंकि आपको एक ऐसी x की वैल्यू पता थी जिससे कि डिवाइजर 0 हो जाए। अब डिवाइजर 0 हो जाए, इस बात पे कई लोग भड़क उठते हैं कि डिवाइजर कैसे 0 हो सकता है, 0 से कैसे डिवाइड करेंगे। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ट्रू है ना। 0 इंटू समथिंग लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 में ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। हम 0 इंटू समथिंग लिख रहे हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको बल्कि मल्टी डिवीजन के एंगल की जगह मल्टीप्लिकेशन के एंगल से आप देखना शुरू करो, ज्यादा आसान पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा क्योंकि यहां पे तो a और b दोनों अननोन है हमारे। तो अभी हमें पता चला कि x इक्वल टू माइनस 1 अगर आप रखते हो तो एक और ऐसी वैल्यू है जिससे कि ये 0 हो सकता है। जब आपने x को माइनस 1 रखा तो इधर फिर कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 100 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी। b माइनस ए आपका कितना हो गया? ये भी 1 हो गया, है ना? अब पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों से आप a और b को सॉल्व कर लो। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? a कट गया, b की वैल्यू 1 हो गई और इसके अलावा a की वैल्यू 0 हो गई। तो b आपका 1 है और a आपका 0 है। तो देखिए वही केस जिसकी हम बात कर रहे थे
कि कभी जीरो आना होगा तो आ जाएगा। आई क्या है यहाँ पे कि एक्स की मतलब फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो एक्स प्लस वन। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे आप खुद से ट्राई करो कि रिमाइंडर क्या होगा जब इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन करके नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए इसको बताइए आप। ठीक है, तो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं प्रोसीड करता हूं इसके सोल्यूशन के साथ। ठीक, तो यहां पे आप देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स से आप डिवाइड कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाले जो टर्म्स होंगे आपके डिवाइजर जो होगा उसके आसानी से आप फैक्टर कर पाना आपके लिए बहुत पॉसिबल होगा, बहुत आसानी से आप फैक्टर कर लोगे। तो आप इसके फैक्टर्स देख सकते हो, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो आपने कह दिया कि चलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, अगर देखें तो इसके जीरोज आपके जीरो और प्लस माइनस वन है। सही है, फिर आपने कहा कि पी एक्स आपका ये था कि अगर आप पी एक्स को है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका कुछ क्वोशेंट आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, रिमाइंडर की डिग्री आपकी सेकेंड होगी, सेकेंड डिग्री की रिमाइंडर होगा। मतलब कि ये मैक्सिमम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो सकता है ना। तो अब आप देखें कि एक्स आपके जीरोस यही हैं, तो इनको आपको यहां पुट करना है। आपका पूरा टारगेट क्या है कि आपके कोशेंट को, कोशेंट के साथ वाली जो टर्म है इसको आप जीरो कर दें। तो एक्स इक्वल टू जीरो आपने रखा, इससे बेनिफिट क्या था कि ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, तो पी जीरो आपका किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। और पी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से देख सकते हो आप -10, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -10 के बराबर आ जाएगी। सही है इतना। एक्स इक्वल टू वन की बात करें तो एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या होगा, पी वन है ना। तो जब पी वन की आप बात करोगे तो पी वन का मतलब यहां से सीधे जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप वन रख के देख लो कितना आ रहा है, 178 इससे कट गया, -10। ठीक है, और x इक्वल टू -1 और रख के देख लो, तो p एट -1 की वैल्यू कितनी आएगी, p एट -1 के लिए हमने कहा x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो यहां पे बनेगा a माइनस बी प्लस सी। भाई ये वाली चीज तो जीरो ही है, तो a माइनस बी प्लस सी, और जब x को आपने -1 रखा तो वैल्यू कितनी होगी, -1 -7, -8 हो गया, -10, -18 हो गया, और ये +8, तो ये भी -10 आ गया क्या, -1 -7 -8 हो गया, -8 और +8, हाँ जीरो आ गया, -10। ठीक है, ओके। तो सी की वैल्यू आपकी -10 है ही, तो सी की वैल्यू आप -10 यहां पे पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इक्वल ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या बन जाएगी, ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सी की वैल्यू -10 रखते ही साथ, तो यहां से आपका ए और बी दोनों ही कितने आ गए, जीरो के बराबर आ गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ कि सी सिर्फ -10 यही रिमाइंडर आएगा, बाकी सब तो जीरो हो ही चुके हैं। ठीक है, तो आई गेस कि ये इस तरीके के क्वेश्चन सब आपको थोड़े समझ में आ रहे होंगे। अपन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहां पे हम लेते हैं क्वेश्चन कि मान लीजिए अब आपको पीएक्स अभी तक दिया होता था, अब आपको पीएक्स नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन लिया कि अ पॉलिनोमियल पीएक्स, ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइए, अ पॉलिनोमियल पीएक्स व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री लीव्स रिमाइंडर फोर एंड फाइव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ आता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे उसको तो पी फोर आएगा, और जब एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइव आ रहा है। तो फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इस नंबर से अगर आप इस एक्सप्रेशन से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो आप देखिए, कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो आप पहले ट्राई करो, खुद से सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ठीक है। आप पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन में सोचिए पहले कि क्या चीज चल रही है यहाँ। मैं सोल्यूशन के साथ अब प्रोसीड कर रहा हूं, जिनको अभी समय चाहिए वो लोग पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। आप देखिए, x माइनस वन और x माइनस थ्री से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4, 5 आ रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है डायरेक्टली, कि अगर किसी क्वांटिटी को मैं x माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूंगा, किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूंगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, p1 के बराबर आएगा। तो मैंने ये कहा कि ये जो मेरी पहली स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि p1 की वैल्यू 4 है और p3 की वैल्यू 5 है। इसमें कोई दिक्कत, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज किया है हमने। अब हमने कहा कि हमें रिमाइंडर निकालना है जबकि ये किससे डिवाइड किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अब ये डिवाइजर आपको हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा जिसके बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, तो आपको उन दोनों के बारे में मालूम है। आपको हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में यहां पे जो डिवाइजर दिया जाएगा वह ऐसा डिवाइजर दिया जाएगा जो कि आपके मल्टीप्लीकेशन से जनरेट हो सके, ठीक है। इतनी बात। तो अब अगर आपका P1 4 है और P3 5 है, तो हमने कहा कि अगर मैं PX को एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कुछ क्वोशेंट आता है, और रिमाइंडर कैसा आता है, रिमाइंडर कोई कांस्टेंट नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा हमारा AX+B टाइप का। तो रिमाइंडर हम मान लेंगे AX+B टाइप का, लिख सकता हूं ऐसा। नहीं पता मुझे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इसको जीरो करना, यही तो हमारा टारगेट था ना, हमारा टारगेट यही होता था इन सारे क्वेश्चंस में कि ये वाली चीज जीरो हो जाए। तो ये जीरो कैसे बनेगा, जब एक्स की जगह हम 1 रख दें या फिर 3 रख दें। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इसके जो फैक्टर्स होंगे ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका ये टर्म जीरो हो सके। तो आप देखो कि अगर आप एक्स को 1 रखते हो तो आपको पता है कि P1 की वैल्यू कितनी है, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले ही दे दी गई, और ये आपका हो गया जीरो। तो साथ में आया A+B जिसकी वैल्यू कितनी, 4 दे रखा था, P1 की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर। दूसरा x इक्वल टू 3 आप रखते हैं तो P3 आएगा, P3 का मतलब कितना हुआ, ये वाली टर्म आपकी जीरो, और फिर इधर कितना हो जाएगा, 3A+B, और इसकी वैल्यू कितनी, 5 के बराबर, ठीक है। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, दो यही अननोन्स हैं आपके पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक था इसलिए हमने रिमाइंडर फर्स्ट डिग्री का माना था, है ना, डिवाइजर से एक कम डिग्री मानना है। तो हमने A+B 4, 3A+B 5 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। तो 2 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो बी बी कट गया, बाकी बचा 2A = 1, दैट मीन्स A = 1/2। और ए की वैल्यू अगर आप 1/2 पुट कर देते हो तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 7/2, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना था AX+B, और AX+B में हमने A को रख दिया 1/2, X को X रहने दिया और B को रख दिया हमने 7/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि ये हमारा रिमाइंडर होगा X/2 + 7/2। तो हमें पॉलिनोमियल PX की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें उसके जो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड होते P1 और P3 वो एक्चुअली दे दिए गए थे, ठीक है। तो आई गेस ये बात आपको समझ में आई हो। हमारा टारगेट हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कि इसको जीरो बनाना है, ठीक है, और उसके लिए वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी चीजें तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी अगर आपको पता है कि रिमाइंडर हम कौन सी डिग्री का एज्यूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक पॉलिनोमियल है जिसको जब हम एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 5, 3 और 1 आते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे और बताना है कि हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो ट्राई कीजिए इसे खुद से और खुद से सॉल्व करके आंसर ले आइए, ठीक है। पॉज करके आप समय लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमें अगेन पीएक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता चल गया कि एक्स माइनस वन से डिवाइड किया गया है, इसलिए P1 कितना रहा होगा, 5, P2 कितना रहा होगा, 3, और P3 की तरह होगा 1 के बराबर। हमें बस यही काम की चीज है, ठीक है।
हमने कहा कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम px को डिवाइड करने वाले हैं इससे। और फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से आप देखोगे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, यही है इसके फैक्टर्स, है ना। तो आप देखो x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, यही है आपका डिवाइजर, नया डिवाइजर यही है। और इनटू कोशेंट, इसको आप याद ही रखो, ये वाला जो टर्म होता है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो बेटर है कि इसको देखते ही साथ आपको समझ में आना चाहिए कि यही फैक्टर्स हैं इसके, है ना। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसा होगा, अब इस बार थर्ड डिग्री का, सॉरी थ्री अननोन्स के साथ सेकंड डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि हम क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो सकता है ना, मैक्सिमम। तो अब जब आप P1 की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी खत्म, यहां से वैल्यू मिलेगी आपको, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको a प्लस बी प्लस सी। तो P1 इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। P2 की वैल्यू 3 के बराबर होगी, है ना, और x को 2 आप पुट करोगे तो ये टर्म आपकी पूरी जीरो हो गई, यहां से मिलेगा आपको 4a प्लस 2b प्लस सी। और सिमिलरली P3 की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 1, और x को अगर आप 3 पुट करोगे तो ये टर्म जीरो हो गई, और यहां से आपको मिलेगा 9a प्लस 3b प्लस c, है ना। अब ये आपके इफेक्टिवली तीन इक्वेशंस हो गए, इनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अगर आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 2 में से 1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ जाएगा, 3a प्लस b, और इसकी वैल्यू माइनस 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से आपने अगर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 5a प्लस b, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, माइनस 2, है ना। अब अगर आप इसको डिवाइड, मतलब इसको सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली डिफरेंस लेकर के, तो b b हो गए कैंसिल आपके, बाकी बचा आपके पास माइनस 2a इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू आपकी 0 हो गई, a 0 हुआ तो b कितना हो गया, माइनस 2। अब a 0 है, b माइनस 2 है, तो c कितना होगा आपका, 7 के बराबर होगा। तो यहां से आपका c 7 के बराबर आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a 0 b माइनस 2 x प्लस c 7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ऐसा बोलता हूं मैं इस बार, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स रेस टू पावर 5 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स, है ना। अ पॉलिनोमियल पी एक्स रेस टू पावर 5 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स, ठीक, When divided by x minus 1 leaves remainder 3, okay? Find remainder when It is divided by x cube minus x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, x cube minus x से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए और सॉल्व कीजिए। अब पहले तो दो दो तीन तीन सब दिए रहते थे, यहाँ पे सिर्फ x minus 1 ही केवल गिवन है, और ये क्यूबिक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। सोल्यूशन करना तो वही है अल्टीमेटली, क्योंकि हमें पता है कि चलो P1 की वैल्यू 3 के बराबर होगी, और Px आपका जो भी होगा x क्यूब माइनस x में फैक्टर्स क्या है, x है, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, के साथ कुछ कोशेंट देगा, और प्लस रिमाइंडर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, है ना, x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, तो P1 well and good, this one becomes 0, and here you will get a plus b plus c which is equal to 3, p1 was equal to 3.
अब इन दिक्कत यह है कि हमें यही बस एक इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ दिया ही नहीं गया, तो हमें और क्या क्या चाहिए? आप देखो हमें पी ऑफ जीरो भी चाहिए, है ना, इससे जीरो करने के लिए जीरो भी चाहिए, और एक पी ऑफ माइनस वन भी चाहिए। वो कैसे निकलेगा सोचिए जरा, पी जीरो और पी ऑफ माइनस वन। तो जरा सोच लो यहीं से डायरेक्टली कि पी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के बराबर। पी ऑफ जीरो तो जीरो के बराबर होगा, तो चलो पहले एक्स को जीरो पुट कर लेते हैं। पी जीरो रखा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, मतलब वहां पे बचा आपका सिर्फ सी, और वो कितना होगा फिर, जीरो के बराबर। तो दो इक्वेशंस आपकी आपके सामने हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री और एक है पी जीरो इक्वल टू जीरो। अब बाकी बचता है आपका पी एट माइनस वन। पी एट माइनस वन का क्या करना है? पी एट माइनस वन का मतलब हुआ ये पूरी टर्म आपकी हो गई जीरो के बराबर। तो यहां बचा आपका ए माइनस बी प्लस सी, किसके बराबर होगा? यही तो समस्या है, यही तो प्रॉब्लम है कि पी ऑफ माइनस वन किसके बराबर होगा। तो पी ऑफ माइनस वन किसके बराबर हो सकता है, चेक करो आप। तो पी ऑफ माइनस वन अगर मैं यहां से देखूं तो मैं एक चीज देख ऑब्जर्व कर सकता हूं कि पी वन की वैल्यू कितनी आएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखिए, ये होगी आपकी माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। तो अब बात आसान हो गई क्या? इसको मैं लिख सकता हूं ना कि दिस इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, लिख सकता हूं, और पी प्लस क्यू प्लस आर तो मुझे पता था कि थ्री है, तो ये कितना हो गया, माइनस थ्री हो गया। तो यहां पे पी एट माइनस वन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस थ्री के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। सी जीरो है, ए प्लस बी थ्री, ए माइनस बी माइनस थ्री। तो यहां से आपको पता चल गया कि ए जीरो होगा और बी कितना हो जाएगा, थ्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका सॉल्व करके ए जीरो बी थ्री और सी जीरो के बराबर आएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा आपका, थ्री एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ करके हमें इन सारे जीरोस को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस है नहीं। तो आपको भले पी वन दिया हुआ था बट बाकी पी एट माइनस वन उसको रिलेशन से निकाल सकते थे, पी एट जीरो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, ये बात यहां समझने की है। ठीक है।